आप क्या कर रहे हैं? छोटे बेबी की दवाई को क्या मैं छोटे बेबी की दवाई पीत रही? बताओ मेरी दवाई पीत रही, छोटे बेबी का नाम बदनाम कर रही। तू बेबी को प्यार करे? अरे भैया है ना ये। अच्छा सबको बता दे, टिक्का प्यार करेगी तू इसके? बाबू ये छोटे बेबी की दवाई नहीं है, मेरी है। भैया के तो सारे सिरप ही है बाबू। भैया ये नहीं लेता, टेबलेट्स नहीं लेता भैया। ये आगे बेटा इसके दवाई, उसे ही पता, इसलिए मैं नहीं दे रही। आने वाली हो रही हो, अपने आप दे दे। इसने टॉयलेट कर दिया छोटे से ने, मम्मी लंगर चेंज कर रही है। अच्छा रुई को देखो, मेरी दवाई पीसने लग रही। मेरा घर लार न छूटे, किसी का प्यार न टूटे, प्यार न छूटे ही दरबार। देखो छोटा बेबी के बिल्कुल चिपक चिपक का शरीर पूरे लड़ कर रही। देखो डॉक्टर ने बताया था ऐसा कर दे, दूध पिला के हल्का सा थपथपाना थोड़ा सा उल्टा करके। अरे बेटा पजामे पहना नहीं, मुझे अगर ठंड हो रही ऐसे। रुई आज स्कूल में नहीं गए बाबू। राम जी बड़ो को राम, राम छोटो को प्यार और आशीर्वाद। और सुबह के 9 बज चुके हैं और अब भी जा चुका है, सब नाश्ता पानी सब हो गया और अब तो साफ सफाई की तैयारी है। कपड़े धुलूंगी थोड़ी सी देर में, फिर आपसे मिलूंगी। अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। इधर वर्षा ने तो सुला दिया से छोटे से, वो लाइट जा रही क्या? हाँ बैठी गोद में लिए, इतनी बुरी तरह रोता है, अपनी बुआ की गोद में आके सो गया। और आज मैंने दूसरा नवरात्र आया, दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पूजा कर ली थी और अब दोपहर का खाना बना रही हूँ अदिति के लिए। मेरा व्रत है, वर्षा का भी व्रत है, तो देखते हैं आज अदिति के लिए मैंने क्या बनाया है। सुबह तो मैंने उसे छुआनी दे दी थी बना के, क्योंकि अब थोड़ा सा देना शुरू कराया। कल डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर कह रही थी कि अब थोड़ा हल्का मोटा सा खाना दो, फिर जब तो खड़ी होगी। और तो भाई मैं कहा भाई आपके बताने की इंतजार थी हमें, तो आप बताओगे जब देंगे। तो घी को तो मना कर दी कि ऐसा घी नहीं देना अभी एक महीने तक, दिवाली के बाद बोला है, तो उसी हिसाब से हमने इसे खाने के लिए देंगे जैसा वो बताएंगे डॉक्टर। तो और अब चलते हैं रसोई की तरफ। रसोई में देखती हूँ क्या बना रही हूँ मैं, आप सबको दिखाती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। और रसोई में सिटी लग गई है कुकर में। आज तो मैंने ऐसा अलग आलू की सब्जी बना के दिया, क्योंकि कई दिन हो गया तोरी बनाते बनाते इधर रोटी सेक रही हूँ और आलू में भिगो कर दूंगी। तो ये बोल रही थी कि मम्मी तोरी और घ्या ये सब खाते खाते मन उब सी गया, एक महीना होने को आ रहा है। तो कल डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कह रहे कि आलू उबाल के उसमें थोड़ा दे सकते हो सब्जी में भिगो के रोटी, तो वही मैंने सब किया। तो उसमें अब भिगो कर देती हूँ और चलते हैं बस अदिति के साथ। खाना देती हूँ मैं उसे बना के भिगो के। और खाना तो मैंने पहले दे दिया था, थोड़ी सी सब्जी और दूंगी अदिति को, पूछती हूँ कैसी बन रही है। अदिति सब्जी कैसी बन रही? आ तो कुछ स्वाद अलग सा लगा होगा बदल के, कई दिन में स्वाद बदला है। कोई नहीं, नमक हल्का है ना, मैं लेकर आ रही हूँ अभी। माता जी तो बोल दो। जय माता, जय माता जी। किस किस का चली गई तुम? कहा ठीक ठीक है डाइपर तो ये किस किस का करिया? यार था करिया सारे मोहल्ले में? नहीं चार पांच घंटे करके आई। अच्छा चल ठीक है, प्रसाद दूंगी बेटा भी, रुक जाओ। और आरता करने आई थी ये, आरता करके जा चुकी है, अब जा रही है, थोड़ा प्रसाद दे दूं मैं। दोनों जोड़े चल दिया मार्केट में, इतनी ले रहे हैं देखो। मम्मी यार पापा जी रसमलाई खान जा रहे, पापा यार रसमलाई खिलाओगे मम्मी को? पापा जी मम्मी के लिए भी ले भाई, कुछ खाने को पड़ती है मम्मी। बाइक से ना पैदल जा रहे क्योंकि जाम लगा हुआ है, देखो गाड़ी भी खड़ी बाहर।
मैं ऑफिस से आया हूँ भाई, ठंड इतनी ज्यादा हो गई ना, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई। सुबह भीगता हुआ गया था बारिश में और इतना बुरा हाल हो गया था, बस रास्ते में रुक रुक कर जाना पड़ा। अब बस अभी आया तो आप बाल भी देख सकते हैं, हवा में ऐसे हो जाना बाल बहुत ज्यादा गंदे। कहा संडे में जाने वाला था ना पिछले संडे में, जो कल था, पर नहीं जा पाया क्योंकि जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट संडे नंबर आएगा तो बाल कटवाने का। मेरे फोन में देखो सो लग रहा है मेरा फोन। जन्मदिन है दावत नहीं दे रहा, दावत नहीं दे रहा सौरभ भाई, सौरभ भाई का जन्मदिन है आज भाई। वाह पूरी तैयारी चल रही भाई, रंग रूम होगा। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी सौरभ भाई का जन्मदिन है, क्या बना रहे? अरे पति देव के जन्मदिन पर रोटी बन रही। सौरभ भाई ना चमका दिया, कुना के तो भी आया सौरभ भाई चमका दो रहा मारी मारे धोरे सही। क्या लाया? मैं भी खुवा दे। भाभी जी क्या आया जी? मिल गए मुझे ना थोड़ा सा, मेरे भाई नहीं आएगा। हाँ मेरे बड़े भाई का जन्मदिन अभी आपने देखा ही है, वो हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़ा वही है, मेरे से मतलब मेरे से बड़ा वही है, तो उसका जन्मदिन है आज। तो मैं तो दावत ले आया भाई, खाना ले आ रहा था वो बाहर से, दाल मखनी वगैरह मिक्स वेज सब्जी ला रखे थे, रसगुल्ले ला रखे थे भाई, मैं तो अपनी दावत लेकर आ गया अभी। और जो बनाई है दाल, तो अभी इसे दाल गर्म करके देता हूँ, आ लेगी अभी। और भाई की भी शादी है इसलिए अभी तैयारी चल रही है उधर घर पर भी, अपना अभी पेंट वेंट करवा रहे हैं, उसके बाद जल्दी शादी आ जाएगी। टाइम का पता नहीं चलता कि जल्दी भी जाता है, जल्दी पास में शादी आ गई, फिर इंजॉय करेंगे शादी। मम्मी और पापा ये ले गए लल्ला के अभी ठंड वाले कपड़े, वाह वाह टोपा गजा ये वाला ठीक है मम्मी जी, लल्ला का एक और है। ये क्यों वाला ना एक और है, एक और है। अच्छा ये भी कपड़े ले गए क्या? अच्छा जुराबे भी इसलिए आए इसकी, ये सही है। बताओ इतने सारे कपड़े, अरे वो भी लाइक आया कम्बल भी है जी। हाँ। उन्होंने तो मोज बांध दी इसकी जी तो अच्छी नहीं था उसका कपड़े, नहीं सही, सही है जी बढ़िया। ऐसी क्या पेट है उस पर, एक और आ गई हो चार बजे मिला ये सही है। ये तो बड़ी बड़ी नहीं आया थोड़ी सी, अरे नहीं इतनी बढ़िया है ये, यहां पर जीरो नंबर की थी। अच्छा ये गर्म कपड़े इसकी लाल लगे बना दो सर। चल देख कपड़े आए मेरे तो नोनू के वेरे।